हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम करेंगे मई महीने में सारा कॉमिक्स जो खरीदा गया है उन सब का एक क्विक सा ओवरव्यू। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय मई कॉमिक्स हॉल। और दोस्तों, इसी वीडियो में 3000 सब्सक्राइबर्स गिव अवे का भी जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड टू सी इफ यू आर वन ऑफ द लकी विनर्स। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मार्वल कॉमिक्स एंड विल स्टार्ट ऑफ विद स्पाइडरमैन इंडिया सेवा। सो स्पाइडरमैन इंडिया का ये लेटेस्ट एक कॉमिक्स है एंड इट हैज बीन क्रिएटेड बाय मोस्टली इंडियन क्रिएटर्स। द राइटर इज नितीश शुक्ला। फर्स्ट कपल ऑफ इश्यूज में अभिषेक मालसूनी जी ने काम किए हैं और उसके बाद आवर वेरी ओन तदम ग्यादू हैज टेकन ओवर फॉर द नेक्स्ट 3 issues। सो ये एक 5 issue मिनी सीरीज है दोस्तों। पर्सनली स्पीकिंग ये यंग एडल्ट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। एक कम्प्लीट स्टोरी आर्क आपको इसके अंदर मिलेगा and I'll flip a couple of pages to show you guys some inside artworks. So here are all the creators. As you can see, most of them are very Indian. And we kick off with the first issue. और यहाँ पर जो character designs है वो बहुत interesting लगा। For example, this Mysterio. So Abhishek Malsuni's artwork is fantastic and he's the villain. So एक बहुत ही simplistic story को बुना गया है दोस्तों। इसके अंदर एक बहुत ही wholesome, fulfilling story है। It's basically a no-brainer. It has a lot of action, a lot of emotions as well. To be very honest, me personally, I found it a little juvenile at times, at least the first half. उसके बाद the story picked up pretty nicely and the ending was kind of satisfactory. So दोस्तों, मुझे तो overall ये पसंद आया है। It's nothing epic though, मतलब ये एकदम must buy में तो बिल्कुल नहीं गिना जाएगा दोस्तों, but overall क्योंकि तदम भाई ने काम किया है इसके अंदर, मालसुनी जी ने काम किया है, so एक sort of emotional attachment तो इस comic book के साथ ऐवे ही create हो जाता है। It's very automatic, it's very spontaneous and that is why I think I liked it. Otherwise, as I said, एक must buy में से ये बिल्कुल नहीं गिना जाएगा, but मुझे अच्छा लगा, you know, especially the ending. क्योंकि एंडिंग बहुत मैटर करता है और एंडिंग में ये जो नया सूट है इसको भी रिवील किया जाता है, वरना इससे पहले तो वो बहुत जो पुराना ओल्ड स्कूल वाला सूट है उसी को पहनकर घूम रहा था स्पाइडी। ये वाला द धोती स्पेशल। सो टुवर्ड्स द एंड ये नया कॉस्ट्यूम रिवील होता है। उसको ये कैसे मिलता है, किससे मिलता है, क्यों मिलता है, ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्पाइडरमैन इंडिया सेवा। ये मैं खरीदा हूँ विक्रम ठाकुर और रश्मि ठाकुर जी से। सो अ बंच ऑफ द कॉमिक्स दैट विल बी शोइंग यू आर डायरेक्टली परचेज्ड फ्रॉम देम। उनका फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू मे ट्राई ऑर्डरिंग कॉमिक्स फ्रॉम देम बट एट योर ओन रिस्क। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज मार्वल्स बाय कार्ट बुजेक एंड एलेक्स रॉस। एंड इसके बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है, सो आप सोच रहे होंगे कि व्हाई डिड आई परचेज दिस। वेल, हियर इज द आंसर। एलेक्स रॉस दोस्तों, आई कैन नॉट गो रॉन्ग विथ एलेक्स बिकॉज यू नो द वे ही ड्रॉस, द वे ही पेंट्स, हिज आर्ट स्टाइल इज सो रियलिस्टिक एंड सो सूदिंग टू द आई। मतलब इतना एफर्ट वो पुट करते हैं वो वाटर कलर वाला स्टाइल में, जो लाइट एंड शेडो के इफेक्ट है, इट्स मेस्मराइजिंग। सो आई डोंट हैव टू मच नॉलेज अबाउट द कंटेंट। आई थिंक इट्स बेसिकली अ रिटेलिंग ऑफ द मार्वल सुपर हीरोज, पॉपुलर वंस एटलीस्ट। सो एज यू कैन सी द आर्ट वर्क इज सो सूदिंग एंड ब्रेथ टेकिंग, इजंट इट गाइस, जस्ट लुक एट इट एंड हियर आर सम ऑफ द एक्स्ट्रास। सो या, इट्स अ ट्रीट टू द आई एंड हेंस आई गॉट इट। Wow, Galactus and Silver Surfer. So yeah, next we'll move on to Deadpool kills the Marvel Universe Omniverse. And दोस्तों, ये Omniverse इसलिए है because दो story arcs था, एक था Deadpool kills the Marvel Universe और दूसरा था Deadpool kills the Marvel Universe again. एक I think 2011 में publish हुआ था, the initial super hit वाला जो Deadpool kills the Marvel Universe run, जो कि एक 4 issues का mini series था, and उसके बाद जो follow up story arc था वो था Deadpool kills the Marvel Universe again, जो कि एक 5 issues का mini series है, and it was published in the year 2017, so कुछ 6-7 साल का difference था इन दोनों को release होने में, और ये दोनों story arc एक साथ combined edition में ऐसे Omniverse format में निकाला गया है दोस्तों। बिकॉज द क्रिएटर्स आर मोस्टली द सेम एंड दैट इज कलेन बन द राइटर एंड डैलिबोर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द सरनेम, बट या, देयर इट इज। सो ही इज द आर्टिस्ट आई गेस। लेट्स फ्लिप सम ऑफ द इनसाइड पेजेस। ढेर सारे आर्टिस्ट ने काम किए हैं इसके अंदर एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड। एज यू कैन सी हियर आर ऑल द क्रिएटर्स। सो लेट मी फ्लिप सम ऑफ द इनसाइड पेजेस। दिस आई थिंक इज द वॉचर।
आर्ट वर्क उतना भी खास इम्प्रेसिव सा लग नहीं रहा मुझे, बट आर्ट स्टाइल चेंज होता रहता है, सो मे बी विल सी सम रियली ग्रेट आर्ट वर्क, मे बी नॉट, लेट्स फाइंड आउट गाइस. सोलवरीन, डेडपूल, मोर डेडपूल, ये आई थिंक मोडॉक है, डैम गणेशा, ओके इंटरेस्टिंग. ये हो क्या रहा है इसके अंदर? दिस इज गोइंग टू बी अ फन रीड इट सीम्स. बट या एज आई वाज सेइंग द आर्ट स्टाइल इज नॉट सुपर इम्प्रेसिव, इट्स नॉट दैट ग्रेट, जॉ ड्रॉपिंग सा कुछ तो लग नहीं रहा इसके अंदर दोस्तों. बट आई हर्ड द स्टोरी इज गुड, गेस आई विल फाइंड आउट सून एनफ. सो नेक्स्ट वी हैव अ डार्क हॉर्स कॉमिक्स एंड दैट इज द विचर ऑमनिवर्स वॉल्यूम 2. सो द विचर ऑमनिवर्स वॉल्यूम 1 ऑलरेडी मेरे पास था दोस्तों, एज यू कैन सी हियर, और इसका एक अनबॉक्सिंग ओवरव्यू वीडियो ऑलरेडी आप सबको मैं दिखा चुका हूँ. सो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. ये ऑमनिवर्स के अंदर चार चार शॉर्ट स्टोरीज ऐसे ही कंपाइल किया जाता है, एंड जो सेकेंड ऑमनिवर्स है इसके अंदर भी चार शॉर्ट स्टोरीज कंपाइल है दोस्तों, एंड ये भी मैं विक्रम एंड रश्मि ठाकुर जी से खरीदा हूँ. सो या हियर वी गो, लेट्स हैव अ लुक एट सम द इनसाइड पेजेस. आर्ट स्टाइल चेंज होते हुए थोड़ा महसूस हो रहा है मुझे, बिकॉज चार डिफरेंट स्टोरीज एंड ओके मैच्योर रीडर्स के लिए है, एंड एक्सप्लिसिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बट आई बिलीव इट इज फॉर द सेक ऑफ स्टोरी टेलिंग. कहानी में कोई महत्वपूर्ण एक हिस्सा होगा ये सब सीन्स का, ऐसा ही नहीं कि फ्री फोकट में डाल दिया गया है जस्ट टू गेन सम आई बॉल्स. सो एनी वे दैट वॉज द ओवरव्यू गाइज. काफी चंकी है, ट्रूली एन ऑमनिवर्स एज कम्पेयर टू डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स ऑमनिवर्स, जो कि थोड़ा पतला है एक ट्रेड पेपरबैक जैसा ही. सो ये भी एक पेपरबैक ऑमनिवर्स है, ये तो आपको दिखा चुका हूँ. एंड देन वी हैव बाल्टीमोर ऑमनिवर्स वॉल्यूम 2, जो कि एक हार्ड कवर ऑमनिवर्स है. इसका भी वॉल्यूम 1 का एक अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू वीडियो आप सबको मैं दिखा चुका हूँ, एंड ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कहानी अभी भी इनकम्प्लीट है, सो इसको कम्प्लीट किया जाए, बिकॉज लॉर्ड बाल्टीमोर इज द प्रोटैगनिस्ट एंड ही इज on a mission to avenge his wife, his family. उसका एक गलती के कारण एक वैम्पायर वाला युद्ध छिड़ जाता है धरती के ऊपर. And FYI guys, Baltimore is no ordinary human being. He himself has some special qualities that he discovers later on in the story. So ये जो dynamic है मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा दोस्तों. And the vampire or the Dracula जिसके साथ Baltimore का 19 का आंकड़ा है, वो भी इसको चकमा देके भाग रहा है इधर उधर, एंड ही हैज सम मैलिशियस इंटेंट एज वेल ऑफ वर्ल्ड डोमिनियन एंड स्टफ्स लाइक दैट. बाल्टीमोर को वो रोकना है, और वो कैसे रोक पाता है, क्या क्या जो बाधाएं आते हैं उसके रास्ते में, कैसे ही मेक्स सम फ्रेंड्स एंड हाउ दे ऑल अचीव द बिगर गोल, क्या वो सब रोक पाते हैं या फिर द इवल फोर्सेज विन. बाल्टीमोर एंड को इन इवल फोर्सेस को कैसे रोक पाते हैं, ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा द बाल्टीमोर ऑमनिवर्स वॉल्यूम 1 एंड 2 में. ये स्टोरी आर्क बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों. सो मैं ये पढ़ चुका हूँ एंड मुझे अच्छा ही लगा. द आर्ट स्टाइल इज नॉट ओवरवेलमिंग बट इट गोज वेरी वेल विद द स्टोरी, इट्स वेरी सिंपलिस्टिक बट इट मैनेजेस टू टेल द स्टोरी एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट. वेरुल्स वगैरह भी है दोस्तों, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड एंड गोर एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. हियर इज द वेरुल वाला पार्ट. The action, damn, it's pretty epic. The number of deaths, the way the deaths take place, those are very creative as well. Overall, एक बहुत ही अच्छा story है with not so great artwork, but an art style that goes well with the storytelling, so no complaints there either. और बहुत ही fast paced है दोस्तों ये, मतलब as you can see the speech bubbles are minimal, so कहानी बहुत जल्दी आगे बढ़ता रहता है. You keep on turning the pages, so it's an absolute page turner. I loved it. Mike Mignola is the main writer, I guess, and he has done a pretty good job with Lord Baltimore. I did not enjoy Witchfinder as much, so yeah, I sold that, and maybe future mein Baltimore bhi sell karu, I don't know, but I loved Baltimore, aur isliye iska second volume khareed kar bhi main is series ko complete karke pad chuka hu. So yeah, there we go. Next guys, another omnibus level thing, and that is Batman The Dark Knight Saga Deluxe Edition.
सो इसमें द डार्क नाइट रिटर्न्स एंड द डार्क नाइट स्ट्राइक्स अगेन, यानी कि फ्रैंक मिलर का डार्क नाइट को लेकर जो इनिशियल दो वॉल्यूम्स था उन दोनों को एक साथ कंपाइल किया गया है. डार्क नाइट रिटर्न्स वॉज क्रिटिकली एक्लेम्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड आर्ट वर्क. इट वॉज वन ऑफ अ काइंड, द मैग्नम ऑपस ऑफ फ्रैंक मिलर. एंड द फॉलो अप स्टोरी बाय फ्रैंक मिलर, डार्क नाइट स्ट्राइक्स अगेन, वॉज इक्वली एज शिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड आर्ट वर्क एज कम्पेयर टू द प्रीडेसेसर. एंड वी विल लुक इन टू दैट इन अ मोमेंट. बट क्योंकि मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब फ्रैंक मिलर का जो पूरा रन है, मेरे पास मास्टर रेस भी है, गोल्डन चाइल्ड भी है, सो इन दोनों को मैं इस फॉर्मेट में ही कलेक्ट कर लिया दोस्तों. सो आई विल बी रिमूविंग द डस्ट जैकेट एंड हियर इज हाउ द इनसाइड कवर लुक्स लाइक. एबोमिनेशन है बैक कवर वाला आर्ट वर्क, बट खैर. सो दिस इज द एपिक डार्क नाइट रिटर्न्स, अ मस्ट हैव एंड अ मस्ट बाय फॉर एवरी बैटमैन फैन आउट देयर. एक बहुत ही वेल वोवन स्टोरी है, रियलिस्टिक एंड ग्रिटी भी है. सुपरमैन और बैटमैन के बीच में एक अलग सा केमिस्ट्री को दिखाया गया है, जिस चीज को जैक स्नाइडर इमुलेट करने का तो कोशिश कर रहा था, बट ही फेल्ड मिजरेबली बिकॉज वो मार्था वाला डायलॉग काफी चीजी और बकवास लगा था एज कम्पेयर टू द ओजे डायलॉग्स इन दिस ओरिजिनल ग्राफिक नॉवल, जहां पर बैटमैन सुपरमैन को बोलता है कि आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर क्लार्क. In all the years to come, in your most private moments, I want you to remember my hand at your throat. I want you to remember the one man who beat you. And उसके बदले में Zack Snyder का Batman vs Superman में हमको क्या मिला? Martha, Martha, why did you take the name? And that was so pathetic, यार. मतलब it made no sense to me. चाहे कितना भी explanation videos में देख लूँ, that will remain as lame as it gets as compared to this. This was the real deal. So उसके बाद दोस्तों आया Dark Knight Strikes Again, जो कि बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था. आर्ट वर्क में एक गिरावट आप पूरा महसूस कर सकते हैं, ना डिटेलिंग ठीक ठाक है ना कुछ, और जितना हम आगे बढ़ते हैं आर्ट वर्क उतना ही भद्दा से भद्दा होता रहता है, एज इफ कोई बच्चा ने ड्रॉ किया है उसको. जस्ट लुक एट इट, हाउ पथेटिक दिस लुक्स. एंड सेम फॉर द स्टोरी गाइस, स्टोरी में भी कुछ खास झंडा तो नहीं गाड़े थे फ्रैंक मिलर इस कहानी में. हालांकि मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं हुआ कि मैं इसको पढ़ पाऊं, इसका रिव्यूज देखकर ही मेरा फट चुका था कि इसके पीछे अगर मैं वक्त दिया तो वो वक्त जाया ही होगा, और वो भी बिल्कुल बेफालतू में. सो कभी जब बहुत फुर्सत रहेगा, जब बहुत फालतू वक्त रहेगा टू किल, सो इन द इयर्स टू कम, इन माय मोस्ट फ्री मोमेंट्स, इफ आई मास्टर द करेज टू रीड डार्क नाइट स्ट्राइक्स अगेन, आई विल गिव दिस अ ट्राई. सो या, एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव ग्रैंट मॉरिसन्स मल्टीवर्सिटी. सो द मल्टीवर्सिटी के अंदर डीसी का एक भयंकर मैपिंग किया गया है. डीसी ने आज तक जितना भी खिचड़ी पकाया था, ग्रैंट मॉरिसन उस खिचड़ी को एक मतलब देने का कोशिश किए हैं वाया दिस ग्राफिक नॉवेल, दिस कॉमिक बुक सीरीज. एक्चुअली ही ट्राइड टू मेक सम सेंस, बट इन एक्सचेंज ही एक्चुअली मेड थिंग्स मोर कन्फ्यूजिंग एंड मोर कन्वल्यूटेड. जब तक मैं इसको पढ़ ना लूँ कम्प्लीटली, तब तक एक वेल एडुकेटेड ओपिनियन तो मैं फॉर्म फिलहाल नहीं कर सकता, बट दैट इज वॉट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम ऑल द रिव्यूज. सो यहाँ पर ढेर सारे यूनिवर्स का, ढेर सारे अर्थ्स का, ढेर सारे सुपर हीरोज का एक इंट्रोडक्शन और स्टोरीज है. हाउ देयर इंटरलिंक्ड, हाउ मेनी अर्थ्स आर देयर, हाउ मेनी मल्टीवर्सेस आर देयर, हाउ देयर कनेक्टेड वाया यू नो द चेंजिंग फ्रीक्वेंसीज, यही सब चीजों का एक्सप्लोर किया गया है. देयर इज अ बंच ऑफ रीडिंग मटेरियल इन दिस वन एंड अ लॉट टू यू नो सीप इन एंड ग्रैस्प. सो यह बहुत फुर्सत से एकदम भारी एक मग कॉफी लेकर ही इसको पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा. इसको एकदम चिल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए पढ़ा जाएगा तो एक्चुअली इट विल गिव यू मोर हेडेक देन रिलैक्सेशन. सो या, अगर चीज़ों का सेंस आपको बनाना है, आपको जानना है कितना सारा अर्थ है, वहाँ का सुपर हीरोज कौन कौन है, तो मल्टीवर्सिटी इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पिक फॉर यू. डीसी ने चीज़ों को काफ़ी कन्फ्यूज कर चुका था, सो यू नो दिस विल गिव सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी, आई गेस आई एम नॉट श्योर. सो या, That's Grant Morrison's The Multiversity for you guys with a bunch of extras. So yeah, that is overall the overview for today. And yahi tha dosto aaj ka May mahine ka special comic book haul, which I hope you loved it. And chaliye, aapka bas thoda you know memory refresh ho jaye, isliye main sara jo graphic novels aur comic books hai unko ek ek karke aapke samne rakhta jaunga. And yeah, that's it guys. So now we'll move forward with announcing the winners for the giveaway. Giveaway में एक winner को मिलेगा ये और ये, जिसका चयन मैं करूंगा based on the comment they have left on the video. And दूसरा winner जिसको lucky draw के through चयन किया जाएगा उसको मिलेगा ये दो.
सो लेट्स सी हु दोस टू विनर्स आर। एंड दोस्तों जस्ट अ स्नीक पिक फॉर द फ्यूचर वीडियोस, ढेर सारे रिव्यू कॉपीज आ चुके हैं फ्रॉम ढेर सारे पब्लिशर्स। वैवे स्टूडियोज की तरफ से आया है ट्रियो वॉल्यूम 3, प्रतिलिपि की तरफ से आया है योद्धा का ये कॉमिक बुक जो कि मूवी के ऊपर बेस्ड है। टूनिकल्स भी आया है, उसके साथ आया है निहोडो का यूमी फ्रॉम इंडी प्रेस एंड बाटू गाइडन द रिटर्न ऑफ असी। सो इन सब का डेडिकेटेड रिव्यू वीडियोस भी बहुत जल्द आने वाला है इस चैनल पर, सो स्टे ट्यून्ड। एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद अनाउंसिंग द विनर। सो या लेट्स गो। सो गाइज, लास्ट जो वीडियो था फॉर द गिव अवे कंपटीशन, उसमें मैं क्राइटेरिया ये रखा था कि आपको एक कमेंट करना पड़ेगा और उस कमेंट में आपको दो पॉइंट्स हाईलाइट करने पड़ेंगे। वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट माय चैनल एंड अप्रिशिएट इट, एंड वन थिंग दैट यू वांट मी टू इम्प्रूव अपॉन। एंड आप लोगों का ढेर सारे फीडबैक्स आए एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वेर वेरी इंसाइटफुल। और इन सारे एक से बढ़कर एक कमेंट्स में से मेरा फेवरेट को सिलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था, बट दिस पर्टिकुलर कमेंट बाय अंकित दोषी सीम्ड रियली वेल स्ट्रक्चर्ड। अंकित जी का ये कहना था कि मेरा ऑनेस्ट एंड टू द पॉइंट रिव्यूज उनको बहुत हेल्प करता है टुवर्ड्स कॉमिक बुक परचेजिंग, एंड एज अ फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही वॉन्ट्स मी टू एड सम मोर पैरामीटर्स वाइल रिव्यूइंग एंड नॉट जस्ट स्टिक टू ओनली द स्टोरी एंड आर्ट वर्क। पैरामीटर्स लाइक बाइंडिंग, प्रिंटिंग, लेटरिंग एटसेट्रा, एंड दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट आई मोस्टली फोकस ऑन स्टोरी एंड आर्ट वर्क एज दोज आर द मेन पिलर्स ऑफ अ कॉमिक बुक। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन संकेत, यू आर द विनर फॉर दिस वन, एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लकी ड्रॉ सेगमेंट। तो चलिए दोस्तों, घुमाते हैं किस्मत का पहिया एंड देखते हैं कि कौन है हमारा लकी विनर। एंड द लकी विनर इज कॉमिक्स बुक्स 5616, अकाउंट का नाम है दोस्तों। आई डोंट नो व्हाट द रियल नेम ऑफ दिस पर्सन इज, बट हियर इज अ लकी विनर। सो या लेट्स सी व्हाट ही और शी हैज टू से। सो द वन थिंग दैट ही और शी लाइक्स अबाउट माय चैनल इज द वैरायटी ऑफ कॉमिक्स दैट आई ब्रिंग ऑन द टेबल, एंड व्हाट ही और शी डिसलाइक्स अबाउट माय चैनल इज द फैक्ट दैट आई एम अ बिट इररेगुलर विद माय वीडियोस एंड माय थंबनेल्स नीड टू इंप्रूव, एंड यस आई डू एग्री विद इट। वेल द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आई हैव अ वेरी बिजी लाइफस्टाइल, माय प्रोफेशन रन मी ड्राई, सो वीडियोज वगैरह तभी बना पाता हूँ जब फुर्सत रहता है, अदरवाइज इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज दिस चैनल अलॉन्ग विथ माई प्रोफेशन। एंड वन मैन आर्मी हूँ, चाहे वो थंबनेल हो, वीडियो एडिटिंग, शूटिंग, स्क्रिप्टिंग, सब कुछ अकेला ही करता हूँ। सो या थोड़ा यू नो इधर उधर हो जाता है। सो एनी वे गाइज, हेयर आर द टू विनर्स अगेन, कॉमिक्स बुक्स 5616 एंड अंकित दोषी। आप दोनों मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, सेंड मी योर एड्रेसेस एंड आई विल सेंडिंग यू योर गिव अवे प्राइजेस। एंड बाकी पार्टिसिपेंट्स प्लीज निराश मत होइएगा, फ्यूचर में और भी गिव अवेज मैं करता रहूंगा, एंड हु नोज यू माइट बी विनिंग इन एनी वन ऑफ देम। एंड वैसे भी बच्चों के लिए भी एक गिव अवे मैं अरेंज किया था और दो के बजाय उधर मैं चार विनर्स को सिलेक्ट कर चुका हूँ, और वहाँ पर कुछ कुछ विनर्स को ऑलरेडी उनका प्राइजेस मिलने भी लगा है। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सच अ क्रूशियल पार्ट इन दिस जर्नी ऑफ माइन एंड फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग मेंबर ऑफ दिस इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी। कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग एंड कीप बीइंग दिस ऑसम। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।